जितने भी ससुराल वाले हैं सारे आ जाओ। आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से अगर पैसे ले रखे हैं तो आपको उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो दो, नहीं है तो बैंक वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसे ही बोल बोल के कई लोगों के घर बिक गए, कई लोगों पे लीगल चार्जेस लग गए, कई लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उनको बार बार सुनवाई में जाना पड़ता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे, और आरबीआई द्वारा जो ऑफिशियल जानकारी दी गई है उसके बारे में बताएंगे कि रियल में स्टेटमेंट क्या बोलता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है कि जब भी आप इस वीडियो में बोलते हो ना कितना लोन माफ, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। आप इस चीज़ को देखिएगा, आज की जो टाइटल होगा और जो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी लेंगे कि आरबीआई ऑफिशियल ऑर्डर 80% लोगों का सबका माफ, पैसे देने हैं दो नहीं देने हैं, सब घर चले जाओ। तो सबसे पहले जानिए कि आरबीआई जब भी रूल बनाता है तो आरबीआई किसके लिए काम करता है। आरबीआई यहां पे काम करता है बैंक के लिए, और ये चाहता है कि जो भी लोन दिए गए हैं उसकी रिकवरी हो। इसके लिए हर साल नए नए गाइडलाइंस आते हैं, हर साल नए नए रूल बनाए जाते हैं, और इस साल भी 3 रूल पे काम किए जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि कस्टमर को प्रिविलेज मिलता है, कस्टमर को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है, पर कस्टमर का एक भी रुपया बैंक नहीं छोड़ता है। और सच्चाई ये भी है कि वो भी बताते यही है, पर एक क्लिकबेट प्रोसीजर है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पहले रूल की बात करें, जो कि ये कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है। सबसे पहला रूल ये बोलता था कि बहुत बार क्या होता है, निवेशक जान से पैसे नहीं देते। अनसिक्योर लोन में जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कस्टमर को ये मन में हमेशा रहता है कि अगर पैसे हम नहीं देंगे तो बैंक क्या कर लेगा, क्योंकि अनसिक्योर लोन में कोई सिक्योरिटी तो होती नहीं है, और बैंक चाह के भी क्या कर लेगा, क्योंकि अगर चेक नहीं दिया है तो कस्टमर तो और भी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, और चेक दिया है तो 138 का केस होगा। पर इसको भी आज के डेट में बहुत ही लाइटली लिया जाता है, क्योंकि ये भी केस कहाँ जाएगा, लोक अदालत में, तो लोग इस पर भी ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। तो आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि अगर आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले उसका ग्राउंड लेवल पे वेरिफिकेशन कीजिए, उसका सत्यापन कीजिए कि एक्चुअल में उस आदमी को ज़रूरत है भी या नहीं, कि सिर्फ बैंक को मूर्ख बना रहा है और पैसे नहीं दे रहा है। मान लीजिए उसका कहीं से इनकम सोर्स है, उसके बैंक को चेक किया जाएगा, उनके पैन कार्ड के थ्रू इनकम सोर्स को चेक किया जाएगा, तभी जाके आपको यहाँ पे लोन सेटलमेंट दिया जाएगा। ये पहला था। दूसरे में ये बताया गया है जहाँ पे कस्टमर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। पहले क्या होता था कि कोई भी रिकवरी एजेंट आते थे और आपको परेशान करते थे, और कई बार वो अपनी सीमा को लांघ जाते थे। तो इस पे आरबीआई ने एक नया रूल ये बनाया था कि अब कोई भी रिकवरी एजेंट आएगा तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेगा कि सर हम आपके घर पे आ रहे हैं, आप एक टाइम स्लॉट दीजिएगा, उसके बारे में बताइएगा, तभी आप आएंगे। और उससे पहले उनको मेल करना पड़ेगा, और उस मेल आईडी में उस रिकवरी एजेंट के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल, उनका आईडी वगैरह सारा कुछ रहेगा, जिससे अगर भविष्य में अगर वो बदतमीजी करता है तो आप सीधे आरबीआई को, बैंक को, उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो, जिसके बाद उस रिकवरी एजेंट की जॉब भी जा सकती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जो तीसरा और सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है आरबीआई के तरफ से, कि अब कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी जो यहाँ पे कस्टमर लोग को देखते होंगे कि बार बार पेनल्टीज लगा देते थे, बार बार हिडन चार्जेस लगा देते थे, कस्टमर को पता ही नहीं रहता था कि उनके एक लोन में कितने बार लेट फी चार्ज लग रहा है, कितने बार चेक बाउंसिंग चार्ज लग रहा है, कितने बार ECS चार्ज लग रहा है, उस पर भी आरबीआई ने रोक लगाया है कि अब बैंक को सिर्फ एक बार ही उस चार्ज को अप्लाई करना है। तो ये थी आरबीआई की तरफ से ऑफिशियल जानकारी। अगर कोई भी विशेष रूप से हमसे बात करना चाहता है तो स्क्रीन पे एक नंबर होगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, बात कर पाओगे। और इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी के लिए 1805 को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।